हेलो क्रिकेट आर्मी, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़े रहना। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टंपिंग के बॉल कैसे कलेक्ट करें और क्विक स्टंपिंग कैसे करें, खासकर कीपर के लिए बहुत बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक होने वाली है। तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पूरे अच्छे से मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोज कीप की टिप्स एंड ट्रिक है, ये देखिए, ये ऑफ स्टंप है। ये ऑफ स्टंप के लाइन में आपका लेफ्टी पैर होना चाहिए। अगर राइटी बैट्समैन है तो आपका लेफ्टी पैर इधर होना चाहिए। अगर वो साइड लेफ्टी बैट्समैन रहा तो आप इधर कीप करोगे ना, तो आपका राइट ही पर आएंगे फिर ऑफ स्टंप पे। फिर देखो, अभी मेरे सामने राइट ही बैट्समैन, फिर मैं ये ऑफ स्टंप के लाइन में आपका पैर होना चाहिए। और आपको ये कितना दूर होना चाहिए, अगर आप इतना क्लोज बैठ लोगे, आप गलती क्या करते हो, स्टंप के ऊपर बहुत ही क्लोज बैठ लेते हो, फिर आपको बॉल भी जज नहीं होता है और आपका पैड वगैरह लग के स्टंप को पहले आप हिला देते हो। तो इसलिए क्या करना है, आपको इतना हाथ का डिस्टेंस ले लेना है। ऐसा देखने अब मेरा हाथ यहाँ तक आ रहा ना, फिर ठीक है, फिर यहाँ पर बैठना है इस तरह के से। और आपके ये जो पैरों की जो मूवमेंट है, जो शूज़ वगैरह की मूवमेंट है, ये देखो आप अगर आप पूरा ऐसा पीछे बैठ लोगे, ऐसा बैठोगे तो आपका पूरा बॉडी बैलेंस पीछे की साइड आएगा, तो आप बॉल कलेक्ट करते करते गिर जाओगे। तो इसको ऊपर की ओर ले लेना है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, अगर कोई कीपर का सब कोई ज़्यादा रहता उनको इतना ये कंफर्टेबल लगता, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे वो ही आप कीप में करना। इसका उसका देख के आप क्लोज वगैरह मत करना, तो आपका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो अभी मेरे जो है, मैं हमेशा पैर क्लोज रखता हूँ, ये मेरे को कंफर्टेबल है। फिर उसके बाद में आप ऐसे कीप कर रहे हो, तो ये जो शूज़ का है मैं आपको बताया, इसको थोड़ा ऊपर की ओर ही रखना है, क्योंकि आपका बॉडी बैलेंस अच्छे से आगे की ओर बना रहे और आपको ऐसा क्विक उठने में कीप करने में आसानी जाए। तो जैसे ही आपको बॉल के जज, तो बॉल जब टप पर गिरता ना, तो अगर बॉलर ने बॉल डाला तो उसके पहले नहीं उठ जाना है, उसके पहले आप उठ गए तो आप गलती से क्या होगा, आपका यहाँ से बॉल निकल जाएगा और थ्रो मिस फील्ड आपकी हो जाएंगी, 22 के रन दे जाएंगे। कीपर की जो क्वालिटी होती है ना, वो 22 के रनों पे गिने जाती है। अगर आप कम से कम 22 के रन दोगे ना, और लेग 22 के कम से कम रन दोगे ना, तो आपका कीपर में ज़्यादा इम्प्रूव होगा और सिलेक्शन भी अच्छा होगा। अगर आपका ज़्यादा बॉल छोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, 22 के रन ज़्यादा दे रहे हो कीपर, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इस तरह कैसे, और बॉलर जब टप्पा गिरेगा, बॉल का टप्पा गिरने के बाद उसको हल्के हल्के से उठना है, जैसे जैसे बॉल ऊपर आएगा ना वैसे वैसे उठना है, फिर आपको समझ जाएगा कि बॉल कितना डिस्टेंस में आप बराबर ऐसा कलेक्ट करोगे और इस तरह कैसे स्टंपिंग करोगे। अब बॉल को कलेक्ट कैसे करना है, बॉल को कलेक्ट करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। तो ज़्यादातर अभी MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, वो सर क्या करते हैं, वो इस तरह कैसे बॉल कलेक्ट करते हैं, इस तरह कैसे दिख रहा है ना आपको, इस तरह कैसे, जो मैकुलम है, एडम गिलक्रिस्ट है, वो कीपर, वो कैसे किस तरह कैसे करने के, इस तरह कैसे। तो आपको जो कंफर्टेबल जाएगा, मैं बॉल इस तरह के साथ अच्छे से कलेक्ट कर पाता, एक ही इसमें परफेक्ट बनना है आपको। अगर कभी आप इस तरह कैसे कलेक्ट करोगे, कभी इस तरह कैसे करोगे, तो वो परफेक्ट कीपर नहीं रहेगा। आपको एक ही इसमें परफेक्ट बनना है, जिस तरह के आप कंफर्टेबल हो, एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने जो प्रैक्टिस की थी, मैं जो जिसमें कंफर्टेबल हूँ वो इसमें, इस तरह कैसे ऐसा सबसे पकड़ के लगाने में, तो वो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। उसके बाद में आपका जो परफेक्ट हो गया, क्या इस तरह कैसे मैं पकड़ता परफेक्ट, उसके बाद में आप परफेक्ट पकड़ने के बाद आपका ये जो हैंड मूवमेंट क्विक कैसा करें, ये क्विक इस आसानी से होगा। अगर आप हैंड मूवमेंट ऐसा, ये जो एल्बो है ये ज़्यादा पीछे खींचोगे और फिर लगाओगे, तो आपको स्टंपिंग भी नहीं मिलेंगी, बैट्समैन क्रीज में जब तक आ चुका होगा। तो आपको ये जो हैंड है ना, इसको नीचे दबाना है इस तरह के से, जितना आप नीचे दबाओगे वो ऑटोमेटिक आगे ढक ले जाएगा, वो आगे ढक ले गया तो कीपिंग में आप जल्दी से क्विक स्टंपिंग कर पाओगे। अगर आपने ये हैंड ऐसे पीछे लेके फिर ऐसा लगाना चाहे, तो वो लेट हो जाएगा बैट्समैन क्रीज के अंदर जब तक आ चुका होता। रनआउट में वही पोजिशन है, अगर आप कीपर हो तो आपके पास थ्रो आया, तो आपका जो हैंड है वो नीचे तरफ पुश करे, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, आपको बस नीचे तरफ पुश करना है, वो बराबर स्टंप के ऊपर बॉल आपका हैंड चल जाएगा। मैं आपको बॉल कलेक्ट करके बताता था, तो ये इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसकी आप ये मैंने जो बोला वो पूरे पॉइंट आपके ध्यान में रखो अच्छे से, और कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम कूल माइंड प्रैक्टिस करना। जितने आप कूल माइंड खेलोगे उतना आपका गेम इतना अच्छा इंप्रूव होगा। और क्रिकेट आर्मी चैनल के साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक देखने के साथ क्रिकेट आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के ऐसे ऑल पर सेट करो, वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए गुड बाय।